नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से आपका हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। और बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग में वापसी कर रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो इस बीच ना बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, और इन सारी चीज़ों ने ना मुझे काफ़ी हद तक तोड़ के रख दिया है। मेरा मन बिल्कुल ख़राब कर दिया है। मेरा मन ही नहीं लगता अब किसी चीज़ में, ना किसी काम में। तो ऐसा कभी कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, और हो सकेगा तो आप लोग मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मिलवा देती हूँ मैं आपको अपने हस्बैंड से। हस्बैंड के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, उनको भी बहुत बुरा लगा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं सबकी, और फिर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो काफ़ी बुरा फील होता है। तो इधर पतिदेव बैठे हुए हैं। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सबको मेरा प्रणाम। बहुत दिनों बाद मिले हैं। और वो पट्टी भी तो दिखा दो अपनी। अरे वो बाद में ये देखो क्या क्या हो जाता है इनके साथ, है ना। और आपको एक चीज दिखाऊं, अभी तो हम सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये देखिए इधर बिल्कुल धूप नहीं आती थी जिस कमरे में हम बैठे रहते थे। तो हमने नया काम ये किया है, खिड़की खुलवा दी है। इधर बढ़िया सुबह की धूप आती है, लगभग अभी 11:20 हो रहे हैं जो आप देख रहे हैं। तो देखिए इधर फेरिया धूप सेक रही है, ये देखिए सो गई है वो। तो बस इधर धूप का मजा, अभी हमने चाय वगैरह पी है, बस धूप का मजा ले रहे हैं। सबके लिए ना आने वाला साल बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हमारा आने वाला साल ना ज़्यादा अच्छा नहीं गया है। शुरुआती दिनों में ही सबसे पहले तो आप सबको पता है कि मेरे यहाँ बहुत सारे डॉग रहते हैं, और उनसे मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। क्योंकि मैं ना जिसके साथ जुड़ती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, पहली बात तो मैं किसी से दोस्ती करती नहीं हूँ, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, लेकिन जिसके साथ मैं जुड़ जाती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा हो जाता है कि वो बस मेरा है। तो सबसे पहले मैंने मोती को खोया, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मोती कब गया था, कितने जनवरी 3 जनवरी को मोती हमें छोड़कर चला गया। तो काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि इससे पहले लूसी चली गई थी, फिर इसके बाद हमने सोचा कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब हुई थी, आंखों के सामने हुआ, मन को मतलब शांत कर लिया था। फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, फिर इसके बाद थोड़ा बहुत इधर काम चल रहा है, बगल में काम चल रहा है, इधर काम चल रहा है, तो मेरा गार्डनिंग का काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि शोर शराबे में गार्डनिंग वीडियो नहीं बन पाती है, कितनी भी आप कोशिश कर लो। और बहुत सारे लोग रहते हैं ऊपर, अगर मैं वॉइस ओवर करके भी बनाऊं तो भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि दोनों घर जुड़े हुए हैं, उधर वाला भी और इधर वाला भी, हमारे अगल वाला भी बगल वाला भी। तो इस वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गया था। तो मैं सोच रही थी मैं कैसे करूं अपना काम, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे साथ हुई है अभी फ़िलहाल, एक फरवरी को शाम को, आपको पता है कि हमारे यहाँ लड्डू थी, खुशी है और मोती चला गया, छबीला, राजा, तो उनमें से जो छबीला है, शाम को उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और लगभग शाम के 6 बजे मैं बाहर थी, तब तक वो वहीं था। इसके बाद उसका आता पता नहीं है, वो गया कहाँ, किधर को गया, तब से आज तक मैं उसे ढूंढ रही हूँ, वो मिल नहीं रहा है। तो अब यही उम्मीद लगी रहती है कि वो आएगा, और मैं ना थोड़ा सा गेट खुला रखती हूँ कि शायद वो आ जाए। तो इस चीज़ ने ना मुझे काफ़ी हद तक परेशान कर दिया है, और क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ सबकी, और जितने भी मेरे पास डॉग हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे घर के फैमिली मेंबर हैं, और वो मेरे घर पे ही रहने लगे थे, लगभग 1-1.5 साल से मेरे घर पे ही थे। तो मुझे लगता है कि मेरे घर के सदस्य, और कहाँ चला गया वो, तो इतना सीधा था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा डरपोक, वो कहीं जाता ही नहीं था, और कैसे गायब हो गया, किसने किया, नहीं किया, अपने आप गया, किसके पीछे भागा, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं उसकी फोटो आपके इसमें मेंशन कर दूंगी, तो आप जो भी लोग देहरादून से हैं, कृपया जहां भी आपको ऐसा डॉग दिखे मुझे मैसेज करें, ताकि मुझे पता चल सके, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत होती है,
जिससे हमें ढूंढने में हेल्प मिलेगी। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि जहां भी कोई बता देता है, जहां भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कि यहाँ मिल सकता है तो मैं वहां चली जाती हूँ। तो काफी बुरा फील हो रहा है। और मैं ना सारे काम कर रही हूँ, जितने भी घर के काम है सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन उसी में लगा हुआ है कि वो मुझे मिल जाएगा। और इतना प्यारा बच्चा है वो कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो वो तो हुआ ही है, 1 तारीख से हम ढूंढ रहे हैं उसे। इसके अलावा राजा के पास बैठे हुए थे और राजा ने अचानक से इनके ऊपर हमला कर दिया। ये देखो, ये देखो कितना बुरी तरीके से, इतने भयंकर दांत मारे हैं कि हम बता नहीं सकते। और उसको हम कितने दिन से इतनी अच्छी तरीके से रख रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, लेकिन उसकी हैबिट बन गई है। और आज उसने सुबह फेरिया को भी काटा है। फेरिया तब से बिस्तर पर लेटी हुई है, उठने का नाम ही नहीं ले रही है, उसकी उतनी दहशत हो गई है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। तो चारों तरफ से ना कुछ भी दिमाग में नहीं आ तो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मेरा मन काफ़ी परेशान है। और उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा, हमारा छबीला भी मिल जाएगा। और आप लोग मुझे उम्मीद है कि ज़रूर से ज़रूर मदद करेंगे। तो और अभी लगभग बज रहे हैं 11:30। तो अभी मैं फटाफट से रेडी होके, आज मुझे जाना है नर्सरी, तो वहाँ जाके मुझे गार्डनिंग वीडियो शूट करना है, क्योंकि घर पे तो नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल हम वही काम करते हैं और फटाफट से तैयार होती हूँ। और रास्ते में भी देखते हुए जाएंगे, क्या पता हमें हमारा छबीला मिल जाए। तो फिलहाल तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब बज चुके हैं 12। और अभी जो ऊपर है राजा है, खुशी है, लड्डू है, तो सबसे पहले उनको खाना दे के आती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे आने में, देर हो जाती है। तो इन सबको पहले खाना दे देती हूँ, फेरिया को खिला देती हूँ फटाफट से। फेरी इधर आओ बच्चे, इधर आओ, चलो खाना नहीं खाना। फेरी ना यहाँ से बिल्ली देखती रहती है इधर को, यहाँ बिल्ली आती है ना तो बिल्ली देखती रहती है। देखो म्याऊं आई, म्याऊं कहाँ है म्याऊं, हाँ म्याऊं आई थी, आती है म्याऊं, ये ऐसे ना देखती है ये। और इसका भी बड़ा मन लगा रहता है इधर, फिर हाँ आती है म्याऊं। ओ कितने मासूम होते हैं ना ये, बहुत ज्यादा। तो बस चलते हैं नर्सरी और वहां बनाते हैं वीडियो। घर पे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, ये देखिए इधर से पूरी, इधर खाली था, सब बंद हो गया। और जितने भी प्लांट्स इधर रखे थे, ये देखिए सीमेंट वगैरह पड़ी हुई है, और मैंने रखे हुए हैं उधर की साइड, वो देखिए भर दिया पूरा। जब इनका बन जाएगा बगल वालों का, तब जाके सेटिंग होगी। ऐसे ही ऊपर हो रहा है, वो मैं आपको आके दिखाऊंगी। हो गए क्या तैयार? वो हाथ की वजह से ना उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैं चलाऊं क्या? मैं चला लेती हूँ, नहीं तो चलो फिर नर्सरी में मिलते हैं आपसे। आ गई हमारे पीछे पीछे, और इसको ना दुकान से दिलवा देती हूँ। कहाँ है वो भैया, कहाँ गए? मैं भी नहीं दिख रहा कोई, पता नहीं कहाँ है भैया। दे देती हूँ, तब तक कोई आएगा। ठीक है, मैरी गोल्ड ले, सारे खा लेना, ठीक है, और पीछे मत आना। कहाँ गए थे दुकान से? हमेशा हमारे पीछे आ जाती है, और इसी वजह से उसे रोकने के लिए ना यहीं पे उसको कुछ देना पड़ता है, ताकि आगे ना जाए। मुझे लग रहा है छबीला भी ना किसी के साथ भाग गया है इसी तरीके से। क्यों भैया, आपने देखा था ना लास्ट टाइम? ये बता रहे थे कि इन्होंने देखा था लास्ट टाइम। अब किधर, इधर की साइड हो गया? अच्छा, ये ना किसी ने बोला था कि छबीला जो है हमने दून यूनिवर्सिटी के पास देखा है, तो ना हम वहीं से निकल के आए हैं। कल भी हम गए थे वहाँ पे, लेकिन कहीं भी नहीं दिखा है। देखते देखते ही जा रहे हैं, क्योंकि एक जगह तो बैठने वाले हैं नहीं, कहीं ना कहीं भटक ही गए होंगे। उम्मीद है कि मिल जाए। और अभी तो हम पहुँचते हैं नर्सरी, फिर आके दोबारा अच्छी तरीके से देखेंगे। अभी तो थोड़ा जल्दी में है, और 8 दिन हो गए पूरे लगातार इसी तरीके से धक्के खाते हुए। पता नहीं जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ गया, समझ ही नहीं आ रहा है। 10-15 किलोमीटर के एरिया में तो वो है ही। हाल तो पहुँच गए नर्सरी, अब जाके वीडियो बनाते हैं। है फेरी रह लेगी थोड़ी देर?
इसकी आँख में ना क्या लग गया, ये लग गया, निकालना, अच्छा नहीं लग रहा ये, आँख से निकालो बच्चे, चलते हैं अगली मंजिल की ओर, चलो तेरी बैठ गई, आते टाइम भी जाते टाइम भी एक एक गली छान मारी है, नहीं मिलता, पता नहीं ऐसा कहाँ चला गया, यहाँ तक कि गाड़ियों के नीचे तक देख लिया, क्या पता डर के मारे छुप के बैठा हो, वो ऐसा है ना वो झाड़ियों में छुपने वाला है, इतना ज़्यादा डरपोक है। भाई मेरे घर तो पहुँच चुके हैं, बस गेट खोल देती हूँ, आ जाएंगे अंदर, आओ जी, हमारी लड्डू भी आ गई है, फिर ये कैसे बैठती ना, उसको इतनी बढ़िया तरीके से आदत हो गई है, देखो है फेरी, देखो कितनी बढ़िया तरीके से बैठी रहती है। लड्डू आ जा मेरे बच्चा, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, तो क्या कर लेता पहले ये बताओ, क्या कर लेता, क्या कर लेता मेरा लड्डू बच्चा, ओल फैल गया, फैल गया है, फैल गया, ओ ओ सभी लोग कहाँ छोड़ा तुमने है, पूरी दुनिया ढूंढ दे मिल नहीं रहा वो, चल चल ऊपर चलेंगे फिर, ठीक है, ओहो आ जा, ओ खरगोश देखो इसकी ड्रेस देखी आपने, कितनी प्यारी लग रही है ना, ये देखो दिखाओ सबको अपनी ड्रेस, दिखाओ चपको चपको चपको, चल बैठ जा, अब आ चुके हैं हम छत पर, थोड़ा बहुत खाना पीना करके, और यहाँ है पूरी गैंग, पीले को छोड़कर सारी गैंग है, लड्डू खुशी फेरी राजा, बोला था ना कि गार्डनिंग वीडियो के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, देखिए बगल में कितना काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, और इधर की साइड भी चल रहा है, ये देखिए दोनों साइड ही चल रहा है, इसमें काफ़ी डिस्टरबेंस हो जाता है, तो इसी वजह से मैं गार्डन वीडियो बनाने आज नर्सरी गई थी, ताकि मेरा वीडियो अच्छे से बन जाए, तो उसको मैं अपलोड करूँगी लगभग आज शाम 7:30 या 8 बजे। मुझे ना बड़ी घुटन महसूस हो रही है, पहले खुला खुला था ना, इधर भी क्या करें, तब बनना तो है ही है, है? खाएगा कुछ, आ जा राजा आ जा, अब देती हूँ राजा को थोड़ा बहुत, वैसे तो मैं खिला के गई थी लेकिन फिर भी भुक्कड़ के लिए मैं लेके आई हूँ, वो देखो कह रही मेरे कपड़े निकालो, फेरी कपड़े निकाल ले, आ जा कपड़े निकालो, तो अब छत पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और आज के व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग भी देहरादून से हैं, छबीले की फ़ोटो मैं लगा दूँगी, कहीं भी मिले तो मुझे मैसेज करें, मैं देखती रहूँगी, और इसी उम्मीद के साथ कि वो हमें जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, तो फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।